If you want to score 90 above, simply open any browser you have, search businessvidya.co.in. जैसे ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ ब्लॉग सेक्शन में जाकर आप अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए, जिस भी क्लास में आप हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे कि हमने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस साथ ही साथ नोट्स भी यहाँ पे डाल के रखे हैं। कोडल सेक्शन में जाकर आप हमारी कोई भी सब्जेक्ट की फ्री एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारी कोई भी प्रीमियम या प्रीमियम प्लस ईबुक आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लाइव सपोर्ट का ऑप्शन रखा है, यहाँ से आप हमसे कोई भी डाउट पूछ के हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है कुणाल। सो गाइस, आज अपन क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो गाइस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत छोटा सा चैप्टर है और आज की रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, सो बड़े ध्यान से सुनना। सेकेंड चीज़ मुझे ये बतानी है कि मैं जो सारी चीज़ें बताते जाऊँ वो सारी चीज़ को एकदम ध्यान से सुनना, नोटिस करना, और ये सारी चीज़ जाके आपको केस स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। सो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो चैप्टर है ये थोड़ी लेंथी है, क्योंकि आज की लेक्चर्स में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इस लेक्चर में हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर गाइस हम पढ़ेंगे, ये तो इंपॉर्टेंस हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कि किसे हम कंज्यूमर कहेंगे, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर राइट्स के बारे में। फिर गाइस हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। फिर हम रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम थ्री टायर रिडर्शनल मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट टॉपिक एक पढ़ेंगे, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। सो अब हम अल्टीमेटली स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। सो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। देखो, कंज्यूमर मतलब हम कॉमन पीपल, तो हम कॉमन पीपल की प्रोटेक्शन करना इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्योंकि गाइस आज के समय आप बहुत जानते हैं कि आज मॉडर्न का समय है, मतलब बहुत सारे इंटरप्राइजेस मार्केट में आ गए हैं। सो गाइस, कंज्यूमर के साथ बहुत सारा छल, मतलब बहुत सारा फ्रॉड हो जाता है, ठीक। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि जो कंपनीज होती है, ठीक, वो लोगों के साथ थोड़ा बहुत फ्रॉड कर देती है। मतलब जैसे MRP में जो पैकेट में जो प्राइस लिखा रहता है, उससे कोई कोई बिजनेस ज़्यादा सामान बेचते हैं, ठीक है। आप ये भी देखते होंगे कि कोई कोई कंपनीज कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन वो अंदर से हम खरीद लेते हैं, फिर पता चलता है अंदर से यार इसकी क्वालिटी तो बहुत बेकार है। या फिर आप देखते होंगे कि मार्केट में बहुत सारे बिजनेस एक्सजरेट एडवर्टाइजिंग करते हैं, इसका मतलब है बढ़ा चढ़ा के अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि हमारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि भाई एक हफ्ता लगा लो हमारा क्रीम और गोरे हो जाओगे। और कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो बोलती है कि तुम हमारा अगर ऑयल हेयर में लगा दोगे, जो जिनके पास बाल नहीं है, शॉर्टेज है, बाल्ड है, तो उनके भी बाल मतलब हेयर ग्रो करने लगेगा, ठीक। ऐसे बहुत सारे जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ जो बिजनेस करते हैं, सो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला एक चैप्टर पूरा बनाया गया है, जहाँ पे हमें बहुत सारी राइट्स मैं आपको बताऊँगा जो हम कंज्यूमर के पास है, जो हम अगर यूज़ करेंगे, सो अगर कोई भी बिजनेस हमसे फ्रॉड किया होगा तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इंटायर रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, NGOs एंड अदर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी टू सेव गार्ड द राइट ऑफ कंज्यूमर इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जो गवर्नमेंट, कंज्यूमर, NGOs एंड अदर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी परफॉर्म करती है टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ कंज्यूमर, जिसकी हेल्प से हम जो भी कंज्यूमर की राइट्स है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहते हैं। तो देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले, कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंस अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज है, मतलब उन्हें नॉलेज नहीं है अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, उनको एजुकेट करता है कि उनकी राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, मतलब वो अगर उनके साथ कुछ फ्रॉड होता है तो किस तरीके से अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ की हेल्प से वो एक इंसाफ मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन बताता है, तो इसका मतलब है फर्स्ट पॉइंट का। अब है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स। देखिए, कुछ कंज्यूमर्स गाइस नेसेसरी क्वालिटीज़ उनके पास होती नहीं है, तो इससे क्या हो जाता है, उनके साथ बहुत सारे फ्रॉड्स एंड माल प्रैक्टिसेस हो जाते हैं। सो गाइस, हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करते हैं, हम कंज्यूमर्स में एक क्वालिटी बनाते हैं जिसकी हेल्प से वो फाइट कर सकते हैं जो भी उनके साथ फ्रॉड हुआ है उसके अगेंस्ट। अब थर्ड पॉइंट है, कंज्यूमर्स आर वाइडली एक्सप्लॉयटेड। तो
गाइज जो भी कुछ डिसहोनेस्ट फर्म्स होती है मार्केट में, ठीक, मतलब बेकार फर्म्स जो गंदे काम करती है, जैसे वो ब्लैक मार्केटिंग करती है, हॉर्डिंग करती है। हॉर्डिंग का मतलब जैसे क्या होता है, जैसे मान लो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो कंपनीज को पता होते हैं कि भाई ये फ्यूचर में जैसे इसका शॉर्टेज होने वाला है, तो कंपनीज क्या करती है, वो प्रोडक्ट्स को अपने पास छुपा के रख लेती है। जैसे मार्केट में उसका शॉर्टेज हो जाता है तो उसको एकदम महंगे दामों में बेचती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्याज आप जानती, अनियन की अगर बात करें, तो जैसे मार्केट में पता चलता है यार अनियन फ्यूचर में जाके उसका शॉर्टेज होने वाला है, तो कंपनीज या फर्म्स क्या करती हैं, उन अनियंस को अपने पास छुपा के रख देती है। जैसे मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाती है तो फर्म्स क्या करती है, अपने सामान वामान को बेचती है, मतलब अनियन को बेचती है महंगे दामों में। तो इसे हम हॉर्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो ब्लैक मार्केटिंग, हॉर्डिंग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो ये कुछ डिसऑनेस्ट फर्म्स करती है कंज्यूमर्स के साथ, तो जिसके कारण हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब हम लोग होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, विक्टम्स हो जाते हैं ये सारी चीज़ों के, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें बहुत ज़्यादा बचाता है इन सारी एक्टिविटीज़ से कि हम कंज्यूमर्स विक्टम्स ना बने ये सारी चीज़ों का, ठीक। तो ऐसे डिसऑनेस्ट फर्म्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, अवॉइड करता है। तो ये हो गया गाइस इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर्स। अब हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे कि बिजनेस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, देखिए गाइस जो भी फर्म्स होते हैं, अगर गाइस वो कंज्यूमर्स की लॉन्ग टर्म केयर करेंगे तो उनकी कंपनी ग्रो होती है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल में पता है, जैसे एग्जांपल्स में बताया तो सैमसंग, सोनी, एप्पल। सो गाइस ये सब क्या है, ये हमारी लॉन्ग टर्म केयर करते हैं। जैसे मान लो आपके पास आज सोनी का टीवी है, अगर वो ख़राब हो गया आप कंपनी को कॉल करोगे वो इमीडिएटली आएगी और आपके टीवी को सुधार देगी, है ना। तो ऐसे फर्म्स क्या करते हैं, हम कंज्यूमर का लॉन्ग टर्म केयर करते हैं, जिसके कारण आज आप जानते हैं कि इनकी कंपनीज भी ग्रो करते जा रही है। एप्पल भी ग्रो कर रहा है, सोनी भी ग्रो कर रहा है, सैमसंग भी ग्रो कर रहा है। सो जो भी फर्म्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट शो करती है कंज्यूमर्स के लिए, तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस को कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फॉलो करे। मॉरल जस्टिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि गाइस जो भी बिजनेस गुड एथिक्स अडॉप्ट करते हैं, मतलब जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, कंज्यूमर का वेलफेयर करते हैं, मतलब उसमें कंज्यूमर का देखभाल करते हैं। तो गाइस इससे क्या होता है, मतलब जो भी कंज्यूमर से उनको पता चलता है यार ये तो बिजनेस बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए स्कूल बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है, तो कंज्यूमर सोचते हैं कि यार हम जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेंगे वो इस बिजनेस से ही लेंगे, तो बिजनेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं मॉरल जस्टिफिकेशन। थर्ड है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो होता क्या है, जो भी गाइस बिजनेस अच्छे से काम करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं गवर्नमेंट को, पुलिस अधिकारियों को, कि वो मतलब बिजनेस या मतलब सॉरी पुलिस या गवर्नमेंट कोई भी बिजनेस में आके कुछ भी हाथापाई ना करे। मतलब गाइस एक कॉमन सेंस ही बात है, देखो जो भी बिजनेस अच्छे से काम करेगा, ठीक है, गुड प्रैक्टिस से काम करेगा, सो पुलिस या गवर्नमेंट कभी भी उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जो भी बिजनेस अच्छे से काम करता है वो अवॉइड करता है किसको, गवर्नमेंट, पुलिस, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब फोर्थ पॉइंट है बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। देखो गाइस सोसाइटी या फिर हाउस होल्ड्स कहते हो, हाउस होल्ड या सोसाइटी मतलब हम लोग कॉमन पीपल। तो गाइस हम सोसाइटी क्या करती है, इनपुट प्रोवाइड करती है फर्म्स को। तो गाइस ये फर्म्स क्या करते हैं, ये इनपुट का यूज़ करके आउटपुट बनाते हैं और इस आउटपुट को क्या करते हैं, मार्केट में बेच के पैसा कमाते हैं, है ना। कॉमन सेंस ही बात है, मान लो कि हम सोसाइटी क्या करती है, फर्म्स को वुड प्रोवाइड करती है, लकड़ी इस इनपुट, वुड इज क्या इनपुट है जो हम प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। तो गाइस फर्म्स क्या करती है, इनपुट को लेके मतलब वुड को लेके वो क्या बना देगी, चेयर बना देगी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें बना देगी, और ये चेयर बना के क्या कर देगी, मार्केट में बेचेगी और प्रॉफिट कमाएगी। तो सोसाइटी क्या कर रही है, फर्म्स के लिए बहुत सारी इनपुट्स प्रोवाइड कर रही है, तो फर्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी की क्या करे, रक्षा करे, है ना। तो यही चीज़ है बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज का, मतलब यही चीज़ है जो मैंने बताया, हाउस होल्ड क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, जिसकी हेल्प से फर्म्स इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है और प्रॉफिट कमाती है। तो फर्म्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हाउस होल्ड्स के लिए कुछ केयर करे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। अब लास्ट पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस शुड टेक केयर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक, क्योंकि हम कंज्यूमर्स भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी नहीं होगी, अगर गाइस मान लो कि हम लोग ही नहीं होंगे, तो बिजनेस जो है वो किसके लिए काम करेगा, ठीक। तो हमारे कारण जो भी बिजनेस है उनका सामान बिकता है और प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो हम क्या इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी है। तो ये तो हो गया गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द एक्ट, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ द सेलर फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर अ प्रॉफिट मोटिव। तो गाइस ये जो इतनी लाइन का मतलब है, यहाँ से यहाँ जो हम लोगों ने पढ़ा, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए गाइस जब भी कोई भी कंज्यूमर सेलर से सामान खरीदता है, तो गाइस वो कंज्यूमर दो चीज़ कर सकता है, या तो वो
सामान को बेच देगा किसी और को, मतलब सेलर से, मतलब कोई भी कंज्यूमर सेलर से सामान लेगा और जो सामान उसने सेलर से लिया है वो सामान वो क्या कर देगा, मार्केट में किसी और को बेच देगा। तो गाइस यहाँ पे वो पर्सन क्या कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है एक प्रॉफिट कमाने के लिए। तो गाइस ऐसे समय में ये कंज्यूमर जो है ये कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। ठीक, तो कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर वो है जब वो सेलर से कुछ भी सामान को खरीदता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तब ये कंज्यूमर एक्चुअली में कंज्यूमर कहलाएगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम यही पढ़ेंगे कि कब एक कंज्यूमर कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर कब कंज्यूमर कहलाएगा, जब वो कोई भी सेलर से सामान खरीदता है अपने खुद के यूज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि यार तुम सेलर से सामान खरीद रहे हो किसी और को बेच रहे हो, तो ये बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, तो इस केस में कंज्यूमर कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, एक कंज्यूमर कंज्यूमर तब कहलाएगा जब वो सेलर से कुछ भी सामान खरीदता है एक पर्सनल यूज़ के लिए। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो अकॉर्डिंग टू अ एक्ट, ठीक, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन, कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जो हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ सेलर, मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सेलर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है फॉर पर्सनल यूज, अपने खुद के लिए ना कि प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, ही अब सेकेंड गाइस ये तो गया फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंज्यूमर होने का, और एक कंज्यूमर कब कंज्यूमर कहला सकता है तो वो सेकेंड पॉइंट में भी लिखा है। ठीक है, ही बायज दीज गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर पेइंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी। इसका मतलब ये है कि गाइस देखो कंज्यूमर, पहला चीज़ तो ये हो गया कि कंज्यूमर तभी कंज्यूमर कहलाएगा जब वो सेलर से सामान खरीदते अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब गाइस दूसरा एक और एक क्राइटेरिया है कंज्यूमर कहलाने का, वो ये है कि जब भी कंज्यूमर सेलर से सामान खरीदता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कोई भी कंज्यूमर सेलर से सामान लेता है और उसके बदले वो उसे पैसा देता है, तब के केस में भी कंज्यूमर एक कंज्यूमर कहलाएगा। तो मैंने आज आपको दो क्राइटेरिया बता दिया कि कब कंज्यूमर कंज्यूमर कहलाएगा। पहला तो ये कि जब वो सेलर से सामान खरीदता है खुद पर्सनल यूज़ के लिए, और दूसरी चीज़ जब वो सेलर से सामान खरीदता है तो उसके बदले जब वो उसे पैसा देगा तब क्या कहलाएगा, वो कंज्यूमर कहलाएगा। तो दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम से पूछ सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कब एक कंज्यूमर कंज्यूमर कहलाएगा, वो आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ को बता देना है। ठीक, तो गाइस अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास कंज्यूमर राइट्स। सो गाइस अब हमारे पास कंज्यूमर राइट्स, हम पढ़ेंगे कौन कौन सी राइट्स जो हम कंज्यूमर्स के पास रहती है, अगर कोई भी बिजनेसमैन हमसे कुछ गलत कर दे फ्रॉड कर दे तो इन राइट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो वो राइट्स अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर्स हैव राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज इफ दे आर हार्मफुल टू हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। देखो राइट टू सेफ्टी का मतलब है कि एक कंज्यूमर के पास ये राइट होती है अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मतलब टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कोई भी कंज्यूमर को अगर गुड्स एंड सर्विसेज से प्रोटेक्ट करता है ये वाली राइट। अगर मान लो कि गाइस कोई भी जो गुड्स एंड सर्विसेज है अगर ये हार्मफुल है कोई भी कंज्यूमर की हेल्थ के लिए और उसकी प्रॉपर्टी के लिए, तो गाइस तब आप जाके राइट टू सेफ्टी का यूज़ कर सकते हो। ठीक, अगर मान लीजिए कोई भी कंज्यूमर मतलब कोई भी सेलर अगर मान लो कि आपकी हेल्थ से कुछ लापरवाही करता है, अगर आपकी हेल्थ को हार्म करता है, जैसे मान लो कुकर, आपको पता है अगर कुकर जाके फट गया तो आपकी हेल्थ को नुकसान होगा। अगर जब मान लो प्रॉपर्टी, अगर गैस गैस सिलेंडर फट गया तो इससे आपका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो गैस कोई भी सेलर जब ऐसी हार्मफुल चीज़ प्रोवाइड करता है हम कंज्यूमर को जिससे हमारा हेल्थ या प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक, तो गैस ऐसे वाले गुड्स को हम एक सेलर को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप गाइस राइट टू सेफ्टी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, कोई भी सेलर के अगेंस्ट एक केस फाइल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइट टू सेफ्टी की हेल्प से। ठीक है, अब गाइस सेकंड पॉइंट है राइट टू इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर्स हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो गाइस इसका यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख दिया, कंज्यूमर मस्ट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। गाइस देखो राइट टू इंफॉर्मेशन में होता क्या है, कोई भी कंज्यूमर के पास एक राइट होती है कि वो जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज खरीदता है उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी सेलर आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि यार तुम ये वाला सामान ले लो इसमें हम तुम्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, तो कोई भी सेलर ऐसा नहीं बोलेगा आपको। आप कोई भी कंज्यूमर जब भी कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस लेता है तो उसकी ये एक अधिकार है कि वो जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज खरीदता है उसको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, मतलब उसकी प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, हर ये चीज़। तो गाइस ये आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो जो भी सेलर आपको अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब आपको कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। थर्ड है राइट टू चूज। देखिए गाइस कोई भी कंज्यूमर के पास एक राइट होती है कि वो फ्रीडम टू बाय, मतलब कोई भी कंज्यूमर के पास फ्रीडम टू बाय होता है, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकता है, उसके पास ये फ्रीडम होता है। ठीक, कोई भी प्रोड्यूसर
कांट फोर्स टू बाय, कोई भी प्रोड्यूसर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि तुम्हें ये वाला सामान खरीदना है। तो गाइस हम कंज्यूमर के पास राइट टू चॉइस होता है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अपना मनपसंद का खरीद सकते हैं, और हमें कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा नहीं बोल सकता कि सर तुम्हें ये वाले प्रोडक्ट को ही लेना पड़ेगा। ठीक, अगर कोई भी सेलर आपको ऐसा बोलता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो आप उसके खिलाफ राइट टू चूज के हिसाब से उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली आपको राइट टू चॉइस का मतलब समझ में आ गया होगा। तो राइट टू चॉइस मतलब कंज्यूमर के पास फ्रीडम टू बाय होता है, जिसके हिसाब से वो अपने मन मर्जी के हिसाब से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता है, और उसको कोई भी प्रोड्यूसर फोर्स नहीं कर सकता कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट तुम बाय करो। ठीक है, तो ये आता है राइट टू चॉइस। ठीक है, अब है हमारे पास राइट टू बी हर्ड। देखो, राइट टू फाइल केस अगेंस्ट एनी डिसऑनेस्ट फर्म या सेलर। तो गाइस राइट टू बी हर्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डिसऑनेस्ट फर्म या सेलर के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, केस को फाइल कर सकते हैं। और गाइस अगर कोई भी व्यक्ति फ्यूचर में जाके आपको रोकता है सेलर के खिलाफ केस को फाइल करने, केस फाइल करने के लिए, तो गाइस आप क्या कर सकते हो, राइट टू बी हर्ट की हेल्प से आप उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके साथ कुछ भी फ्रॉड होता है तो आप क्या कर सकते हो, राइट टू बी हर्ट की हेल्प से उसके कोई भी सेलर के अगेंस्ट या फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, ये आपकी राइट है। और सेकेंड चीज़ इस राइट के अंदर ये है कि फर्म सेटअप देयर ओन कंज्यूमर सर्विसेज और ग्रीवेंस कॉल्स। ये तो चीज़ गाइस, इसका मैंने एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दिया कि गाइस आज के समय में बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है वो क्या करती है, अपना खुद का कंज्यूमर सर्विस बनाती है। आप देखते होंगे बहुत सारे चैनल्स में, आप टीवी में भी देखते होंगे, तो वहाँ पे अगर आपको दिखाता है कि अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड कोई भी आपत्ति है, मतलब कोई भी आप इससे परेशानी फील कर रहे हो, तो आप हमें कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट कर सकते हो। ऐसी कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जब आप बड़ी बड़ी कंपनी से लेते हो, तो गाइस होता क्या है, कंपनीज आपको खुद कहती है कि सर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले आप हमें बताइएगा, हम आपका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक, तो इसी का मतलब ये है कि फर्म सेटअप देयर ओन कंज्यूमर सर्विसेज या फिर ग्रीवेंस कॉल्स। अब गाइस नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू सीक रिड्रेसल। तो गाइस इस राइट में क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर के साथ जब भी कुछ भी कोई भी मतलब सेलर या फर्म आपको फॉल्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचता है, तो गाइस आपके पास राइट है कि आप उसे कंपेंसेशन मांग सकते हो, मतलब कोई भी सेलर या फिर फर्म से कंपेंसेशन मांग सकते हो। ठीक है, तो जो भी सेलर आपको अगर गलती से कुछ भी फ्रॉड या कुछ भी गुड्स एंड मतलब फॉल्ट या फिर डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज आपको देता है, तो आपके पास एक राइट है, राइट टू सीक रिडर्सल, जिसकी हेल्प से आप कंपेंसेशन मांग सकते हो उस सेलर या फिर फर्म से। तो वो आपको क्या कर सकता है, वो आपको प्रोडक्ट के जो भी प्रोडक्ट आपका खराब हो गया उसके बदले आपको एक नया प्रोडक्ट एक्सचेंज करके देगा, या आपको पैसे रिटर्न कर देगा, या आपको गाइस जो भी हिस्से में, अगर आपका प्रोडक्ट के जो भी हिस्से में आप फॉल्ट आया है, तो कोई भी सेलर आपको क्या कर सकता है, या प्रोड्यूसर वो वाला डिफेक्ट पार्ट को रिमूव कर सकता है, उसके बदले एक अच्छा पार्ट आपको लगा देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है तो गाइस सेलर या फिर मैन्युफैक्चरर या फिर फर्म आपको क्या कर देता है, कंपनसेशन दे देता है इन तीन फॉर्म में। अब राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो देखो इस राइट में क्या है कि गाइस ये हमारा अधिकार है कि जो भी राइट जो गवर्नमेंट हमारे लिए बनाती है, तो वो राइट हम तक पहुँचे। ठीक है, तो राइट एंड ड्यूटीज़ हमारे मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी गाइस गवर्नमेंट जो भी राइट्स बनाती है, सो ये हमारा अधिकार है कि जो भी गवर्नमेंट राइट्स बनाती है वो सारी राइट्स हमें भी पता चले। इसे हम कहते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। मतलब यहाँ पे कोई भी कंज्यूमर को नॉलेज एक्वायर होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट राइट्स एंड ड्यूटीज़ बना रही है उसकी नॉलेज हमें एक्वायर होनी चाहिए। और सेकेंड चीज़, गवर्नमेंट को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमने राइट्स एंड ड्यूटीज़ ये बनाई है, कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सेलर या फर्म्स के अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं अगर हमारे साथ फ्रॉड होता है तो। अब गाइस नेक्स्ट है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम कंज्यूमर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा गाइस। सबसे पहला है लेबल को रीड करना है। देखो जो भी कंज्यूमर, अगर आप कुछ भी सामान खरीदते हो, तो गाइस आपको क्या करना है, उसके लेबल को रीड करना है। जैसे गाइस फॉर एग्जाम्पल ये डेंटो जेल है, ये फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखाया है, ये जनरली टीथ से रिलेटेड जो इशू आता है उसके लिए। तो अगर मान लो कि आप स्टोर में जाके ये वाला सामान खरीदते हो, तो गाइस आपको क्या करना पड़ता है, इसके हर चीज़ को रीड करना पड़ता है, कि इसका डायरेक्शन फॉर यूज़ किस तरीके से यूज़ करना है, इसका इंडिकेशन क्या है, इसको कहाँ पे स्टोर करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है, रीड करना है कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को खरीदने से पहले। तो यही ठीक। सेकेंड चीज़ है लीगल गुड्स आपको बाय करना है। आपको ऐसा नहीं है कि जो इलीगल गुड्स है आप उसको बाय कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट कभी हेल्प नहीं करेगी। अगर मान लो आप ड्रग्स लेते हो, ठीक, या फिर आप कुछ भी ऐसी गुड्स लेते हो जो इलीगल है गवर्नमेंट के हिसाब से, और फ्यूचर में जाकर आपके साथ उस गुड्स से रिलेटेड फ्रॉड होता है, तो गाइस अगर आपको गवर्नमेंट को जाके बोलोगे कि मैंने ये वाला सामान लिया, तो गाइस उस समय गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि तुमने इलीगल गुड्स को खरीदा है, इसके लिए इससे हम आपको हेल्प नहीं कर सकते। तो हमेशा क्या करना है, लीगल गुड्स को खरीदना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली गुड्स को आपको खरीदना है, ठीक, जो वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए आपको वैसे टाइप के गुड्स को खरीदना है। टेक कैश मेमो आफ्टर पेमेंट।
जी हाँ गाइस, आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ भी सामान खरीदते हैं या फिर कुछ भी सर्विसेज खरीदते हैं तो आपको एक कैश मेमो मिलता है, ठीक है। वो कैश मेमो एक तरीके का रिसीप्ट होता है, एक एविडेंस होता है कि आपने इस सेलर से या इस फर्म से सामान खरीदा है। तो गाइस आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप उस कैश मेमो को ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने कोई भी सामान कोई भी सेलर या फर्म से लिया और उसने आपको कैश मेमो दिया नहीं, तो आपके पास एविडेंस नहीं रहेगा, और फ्यूचर में जाकर अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप सबसे पहले जाओगे उस सेलर के पास और वो सेलर पहले ही बोल देगा कि भाई पहले कैश मेमो दिखाओ, पहले हमें बताओ कि तुमने हमारी जगह से सामान लिया है कि नहीं। तब आप फंस जाओगे, फिर आप गवर्नमेंट के पास भी जाओगे तब भी आप फंस जाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा एविडेंस के बेस में काम करती है, ठीक है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको टेक कैश मेमो आफ्टर पेमेंट। तो गाइस इससे ही मुझे एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला एक एपिसोड याद आ गया, शायद आपने भी देखा होगा कि जो लेडीज़ होती है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, वो सारी लेडीज़ क्या करती है, एक बाज़ार में जाती है होलसेल बाज़ार में, शायद आपने भी वो एपिसोड देखा होगा। तो वहाँ पे एक सेलर क्या करता है, उनको कहता है कि मतलब जब लेडीज़ कहती है कि तुम हमें बिल दो, जो समय सेलर कहता है उन्हें कि यार तुम तो हमारी बहन जैसी हो, कोई भी इशू आएगा तो आप हमारे पास आइए, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो उस समय वो सेलर क्या करता है, उन्हें तो देता ही नहीं है बिल, तो उससे क्या हो जाता है, फिर वो लेडीज़ घर में आती है, साड़ी देखती है अपनी, तो उनको सारी साड़ी जो होती है फटी होती है, डिफेक्ट होता है, तो वो फिर जाती है वहाँ सेलर के पास, तो सेलर मना कर देता है एक्सचेंज करने से। तो फिर आपको पता है, तो ये होपफुली अगर आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आपको ज़रूर याद होगा, ठीक है। तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है इस पॉइंट को समझने का। अब नेक्स्ट पॉइंट है फाइल केस अगेंस्ट फ्रॉड। तो गाइस अगर आपके साथ सही में फ्रॉड होता है तो आपको क्या करना है, फाइल केस अगेंस्ट फ्रॉड, मतलब आपको उसके अगेंस्ट केस को क्या करना है, फाइल करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके साथ गलत तो होता है लेकिन वो केस फाइल नहीं करते। तो गाइस इससे क्या होता है, बुराइयों को एक बढ़ावा मिलता है, ठीक। जो भी सेलर फ्रॉड कर रहे होते हैं उनको और बढ़ावा मिलता है कि भाई सेल जो कंज्यूमर्स है इनके साथ फ्रॉड भी कर देते हैं तो कंप्लेंट तो करते नहीं है, तो वो सोचते हैं कि और फ्रॉड इनके साथ करना चाहिए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आपके साथ फ्रॉड होता है आपको केस फाइल करना है कोई भी सेलर के अगेंस्ट। अब नेक्स्ट चीज़ है नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड गुड्स। और गाइस एक कंज्यूमर के नाते आपको मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा गुड्स कितना अच्छा है, कौन सा गुड्स कितना बुरा है, ये आपको कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टीवी लेने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको गाइस टीवी से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए कि जैसे आप शॉप में जाओ सेलर आपको उल्लू ना बना दे, ठीक है। तो उल्लू ना बना दे उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको नॉलेज गेन करना है जिस भी प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हो उससे रिलेटेड। अब सेवन पॉइंट है रीड इंस्ट्रक्शंस अबाउट प्रोडक्ट। सो गाइस ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में थोड़ा सेम है, तो यही पॉइंट यही कह रहा है कि आपको क्या करना है, जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं तो आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस उसके रीड करना है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ ही कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक खत्म होता है। सो गाइस अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब एक कंज्यूमर को ऐसी कौन कौन सी रिलीफ मिलती है विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि एक मैन्युफैक्चरर को क्या क्या चीज करनी चाहिए कि जिसकी हेल्प से कंज्यूमर को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो गाइस जो भी मैन्युफैक्चरर अगर हैजार्डियस मतलब हार्मफुल, ठीक, हार्मफुल या फिर डिफेक्टिव गुड्स को बेचता है, तो एक मैन्युफैक्चरर को क्या 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 चीज करनी चाहिए कि जिससे हम कंज्यूमर्स को नुकसान ना हो, ठीक। तो क्या क्या चीज़ करनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहला तो रिमूविंग गुड, मतलब अगर वो ऐसे टाइप के गुड्स को बना, एक मैन्युफैक्चरर अगर हार्मफुल गुड्स को बनाता है तो उसे रिमूव कर देना चाहिए, उसे बनाना। रिप्लेस विद गुड, अगर वो कोई भी बेकार गुड्स बनाता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे अच्छे गुड्स के जगह पे रिप्लेस कर देना चाहिए। और मान लो कि कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर गलती से हार्मफुल प्रोडक्ट को कोई कस्टमर को दे दिया है तो कोई भी मैन्युफैक्चरर को क्या करना चाहिए, उस मतलब उस कंज्यूमर को रिफंड कर देना चाहिए उसका सारा पैसा। अब दूसरी चीज़ है प्रोडक्शन स्टॉप, कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर हार्मफुल गुड बनाता है तो उसे उस गुड्स का प्रोडक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर हार्मफुल गुड्स अगर ऑफर करता है कोई भी लोगों को तो गाइस मैन्युफैक्चरर को वो चीज़ नहीं करना चाहिए, वो अनएथिकल कहलाएगा, ठीक। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर हार्मफुल गुड्स बेचता है तो उसे क्या करना चाहिए, विड्रॉ फ्रॉम सेल, मतलब मार्केट से उसे अपने गुड्स को विड्रॉ कर देना चाहिए क्योंकि वो हार्मफुल है, लोग खरीद लेंगे तो लोगों को हार्म होगा, तो एक तरीके से दिक्कत होगा, तो उसे पहले क्या करना चाहिए, सेल मतलब मार्केट से ही विड्रॉ कर देना चाहिए, मार्केट से हटा देना चाहिए कि कोई कंज्यूमर से खरीदे ही ना और उन्हें हार्मफुल हो ही ना। और फिर अगली चीज़ मैन्युफैक्चरर को क्या करना चाहिए, उन्हें जो भी अगर कोई भी कंज्यूमर को मैन्युफैक्चरर हार्मफुल गुड्स गलती से भी भेज दे तो उन्हें पे कंपेंसेशन, उन्हें कंपेंसेशन पे कर देना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि गाइस जब भी मैन्युफैक्चरर सामान देता है डिफेक्टिव गुड्स का भी, तो उन्हें प्रोवाइड कैश मेमो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर देना चाहिए। अब गाइस और दो एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा जो एक मैन्युफैक्चरर को करना चाहिए, वो ये चीज़ है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में करेक्शन करना चाहिए। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मतलब गाइस आप जैसे मैंने
इस लेक्चर के शुरू में ही बताया कि फालतू फालतू हम बढ़ा चढ़ा के फर्म्स क्या करती है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बताती है कि 4 हफ्ता हमारा प्रोडक्ट यूज़ करो, आपको ये फ़ायदा होगा, अलाना फलाना। ऐसे क्या करती है, एक्सजरेशन का काम करती है। एक्सजरेशन का मतलब है बढ़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट करना, मिसलीड करना। तो इससे क्या हो जाता है, जो हम कंज्यूमर्स होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम सोचते हैं यार इस प्रोडक्ट में ये फ़ायदा मिलेगा, इसे खरीद लेते हैं, और जब खरीदते हैं तो पता चलता है सारा कुछ काम का ही नहीं है। ठीक, तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हर मैन्युफैक्चरर्स को बंद कर देना चाहिए, मतलब उसमें करेक्शन करना चाहिए, गलत नहीं दिखाना चाहिए। और गाइस एक लास्ट पॉइंट हमारे पास ये, मेक पेमेंट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। और गाइस जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड को देना चाहिए। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि CWF का फुल फॉर्म क्या है, तो बता देना, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तो गाइस जो भी मैन्युफैक्चरर्स, उनको 5% प्राइस ऑफ गुड, मतलब जो भी 5% से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भी क्या कर देना चाहिए, कंज्यूमर वेलफेयर फंड को दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा भरा काम है जो मैन्युफैक्चरर्स को करना चाहिए। तो मैंने इस टॉपिक में आपको बताया कि एक मैन्युफैक्चरर को क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर को करनी चाहिए जिससे हम कंज्यूमर को रिलीफ मिले, मतलब हम कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये सारे मैन्युफैक्चरर्स को ये सारी चीज़ों को करना चाहिए। अब गाइस और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 टायर रिडक्शन मशीनरी। गाइस ये टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि देखो, जैसे गाइस इस टॉपिक को छोड़ो, मैं सबसे पहले, आपने मूवीज़ या फिर रियल लाइफ में भी देखा होगा कि गाइस हमारे पास 3 तरीके के कोर्ट होते हैं। ठीक, एक तो होता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, और एक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो गाइस जब भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोर्ट के पास जाते हो, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाते हो। ठीक है, अगर वो आपको क्या देता है, सॉल्यूशन देता है। अगर गाइस आप उस सॉल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं हो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक, हाई कोर्ट में भी आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, हाई कोर्ट वाला भी सॉल्यूशन देगा। अगर फिर भी आप हाई कोर्ट के भी सॉल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप क्या करते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। तो गाइस ऐसी सेम हम कंज्यूमर्स के साथ भी, अगर हम कंज्यूमर्स के साथ कुछ फ्रॉड होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड, तो आप सेलर या कोई भी फर्म को, मतलब कोई भी सेलर या फर्म के अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो हम 3 लेवल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। पहला, आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, तो आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम वाले आपको सॉल्यूशन देंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से भी सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप स्टेट कमीशन में जाते हो, स्टेट कमीशन वाला भी आपको सॉल्यूशन देगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अभी तक नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हो, नेशनल कमीशन के पास भी जा सकते हो। ठीक, तो इनके बारे में हम थोड़ा डीप में डिस्कस कर लेते हैं। इनका हमने डिफ्रेंशिएट भी बताया कि कभी कभी एग्जाम से डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन भी आ जाए तो आप बता सकते हो। तो सबसे पहले कंपोजिशन। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जैसे आपको याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप जाते हो, तो एक प्रेसिडेंट होना चाहिए और 2 मेंबर होना चाहिए, और इन 2 मेंबर में से एक वुमेन होना चाहिए। ठीक है, तभी आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपनी कंप्लेन लेके जा सकते हो। अगर इस दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, आप सभी कोई भी कंज्यूमर के लिए अवेलेबल करती है। तो गाइस ये जो डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये एक जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे हम जाते हैं और जो भी हमारे साथ गलत होता है, कंज्यूमर के साथ जो भी गलत होता है, हम यहाँ पे जाके फाइल करते हो केस कोई भी सेलर या फिर फर्म के अगेंस्ट में। एक जगह होती है। ठीक, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट आप सभी कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल करता है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है, अगर गाइस आपके साथ 20 लाख के नीचे फ्रॉड होता है, ठीक, तो तब जाके आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हो। ठीक, तो हमेशा याद रखना, डिस्ट्रिक्ट फोरम वही कंज्यूमर्स को एक्सेप्ट करता है जिनके साथ 20 लाख से नीचे फ्रॉड हुआ है। ठीक है, मतलब 1 रुपये से लेकर 20 लाख के बीच में अगर आपके साथ फ्रॉड होता है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड, तो आप कोई भी सेलर या फिर मैन्युफैक्चरर या फर्म के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अब वेयर टू अपील इफ़ नॉट सेटिस्फाई, अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में सेटिस्फाई नहीं होते हो, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे अभी भी इंसाफ नहीं मिला है, तब आप क्या कर सकते हो, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप स्टेट कमीशन के पास जा सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि गाइस आपको विद इन 30 डेज क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा स्टेट कमीशन में। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपको जिस दिन डिस्ट्रिक्ट फोरम से सॉल्यूशन आया और उस दिन आपको लग रहा है मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो आपकी उसके 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, स्टेट कमीशन के पास जाना है। अगर आप 30 डेज के ऊपर गए और आप तब जाके स्टेट कमीशन को कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, तो स्टेट कमीशन बोलेगा कि नहीं सर, आपका 30 डेज कंप्लीट हो गया, अब हम आपका कोई भी प्रॉब्लम को नहीं लेंगे और उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जब भी आपको कोई भी सॉल्यूशन मिलता है और आप उसे सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप स्टेट कमीशन के पास जा सकते हो। और आपको ये याद रखना है कि आपको 30 डेज के अंदर ही जाना है। अब स्टेट कमीशन की बात करते हैं, स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, 2 मेंबर होना चाहिए और एक वुमेन होना चाहिए।
और गाइस स्टेट कमीशन क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट ही आपके लिए अवेलेबल करता है। और गाइस स्टेट कमीशन में 20 लाख और 1 करोड़ के बीच के केस क्या होते हैं, फाइल होते हैं। अगर आपके साथ 20 लाख और 1 करोड़ के बीच का बीच में फ्रॉड हुआ है तब जाके आप क्या कर सकते हो, स्टेट कमीशन में अप्लाई कर सकते हो। अगर गाइस अगर आप भी स्टेट कमीशन में भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो विद इन 30 डेज। जैसे यहाँ पे 30 डेज के अंदर आपको जाना था, वैसे ही अगर आप स्टेट कमीशन में भी सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे और इंसाफ मिलना चाहिए, तो आप नेशनल कमीशन के पास भी जा सकते हो लेकिन विद इन 30 डेज। अब नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है और 4 मेंबर होते हैं जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए। और ये नेशनल कमीशन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंट करती है मोर देन 1 करोड़। गाइस नेशनल कमीशन में 1 करोड़ से ऊपर के जो भी फ्रॉड होते हैं तब जाके कंज्यूमर क्या कर सकता है, नेशनल कमीशन में अप्लाई कर सकता है। और गाइस यहाँ पे भी अब एक मुद्दा ये आता है कि गाइस अगर आप नेशनल कमीशन में भी सेटिस्फाई नहीं होंगे तो गाइस तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है। हाँ देखो सबसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेटिस्फाई नहीं हो तो स्टेट कमीशन के पास जा सकते हो, स्टेट कमीशन में सेटिस्फाई नहीं हो तो नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो, नेशनल कमीशन के पास सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट के पास आप तभी जा सकते हो जब आपका जो भी केस है ये 1 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया गाइस 3 टायर रिडर्सल मशीनरी के बारे में, मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। अब गाइस एक लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन गाइस बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, मार्केट में। तो आप एक बार गूगल में सर्च कर लेना कि एग्जाम में भी आ सकता है गाइस, और एक इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन सी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है, ठीक है। तो आप एक बार गूगल में सर्च कर लेना, आपको बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी। तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि भाई बताओ इंडिया में कौन कौन सी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको पूछ सकता है, तो आप इजीली लिख सकते हो, ठीक। तो एक बार गूगल से सर्च कर लीजिएगा। तो देखो रोल क्या है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के, सबसे पहले एजुकेटिंग द कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका काम क्या है कि हम कंज्यूमर को एजुकेट करना उनकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। हेल्पिंग इन प्रोटेस्टिंग इफ कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉयटेड। इनका और एक काम क्या है कि हम कंज्यूमर्स की हेल्प करना अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो। थर्ड चीज पब्लिशिंग जर्नल, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का और एक काम क्या है, पब्लिशिंग जर्नल एंड मैगजीन फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का काम यह है कि इन्हें बार बार जर्नल्स एंड मैगजीन्स को पब्लिश करना पड़ता है जहाँ पे उन्हें सारे कंज्यूमर्स की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखना पड़ता है कि इसे होगा क्या कि जो भी कंज्यूमर जर्नल या मैगजीन की हेल्प, मतलब जर्नल और मैगजीन रीड करेगा तो वो उसकी हेल्प से क्या कर सकता है, अपनी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ सकता है। फाइलिंग लीगल सूट्स एंड प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस व्हेन एवर रिक्वायर्ड। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, जो भी कंज्यूमर के साथ फ्रॉड होता है तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को उस कंज्यूमर की हेल्प करना चाहिए कि वो लीगल केस को फाइल कर सके कोई भी सेलर या फर्म के अगेंस्ट में, और उसकी कोई भी लीगल हेल्प में, मतलब लीगल उसको सपोर्ट दे, ठीक है। तो ये कंज्यूमर की ऑर्गेनाइजेशन का और एक काम है जो उसे करना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स एंड वर्कशॉप फॉर क्रिएटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। और गाइस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए, बार बार सेमिनार्स और वर्कशॉप्स को क्रिएट करना चाहिए जिससे वो कंज्यूमर्स को बता पाए कि ऐसी ऐसी चीज़ उनके साथ फ्रॉड हो सकता है और उससे वो सतर्क रहे। जैसे गाइस आपको पता है जागो ग्राहक जागो, तो ये सारी जो कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे गवर्नमेंट की भी कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बार बार ऐड चलाती है टीवी और बहुत सारी जगह में, जैसे जागो ग्राहक जागो, जहाँ पे वो आपको बताती है कि ये चीज़ आपके साथ हो सकता है इससे बचिए, ठीक। तो जिसे कोई भी कंज्यूमर को पता चल जाता है कि हाँ यार मेरे साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है तो मुझे भी इस फ्रॉड से बचना है। तो आपने देखा कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, आपको एजुकेट करता है, आपकी हेल्प करता है, पब्लिश जर्नल करता है, लीगल केस के लिए आपको फाइलिंग लीगल केस सूट्स, मतलब आपको हेल्प करता है लीगल केस को फाइल करने के लिए, और ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स और वर्कशॉप आपके लिए करता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो गाइस आज हमने बहुत सारी चीज़ जानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो गाइस इसी के साथ जो हमारा लेक्चर होता है खत्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, इस लेक्चर को अच्छे से देखिए। और गाइस हम हमेशा कहते हैं कि आपको गाइस फ्री में केस स्टडी मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगी हमारी वेबसाइट में, ठीक। तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर दीजिए आप, और वहाँ पे आप हमारी वेबसाइट में जाइए businessvidya.co.in में, सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, चाहे केस स्टडी हो या फिर आपकी नोट्स हो, हर चीज़ फ्री में मिल जाएगी। बस ये लेक्चर को अच्छे से कर लेना, बुक रीडिंग थोड़ा सा कर लेना, उसके बाद आप 100% केस स्टडी बना लोगे और आप 100% एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। थैंक यू।